हमारे डायरेक्टर हैं और राइटर भी हैं, तो जगत जी बताएंगे बहुत अच्छे से फिल्म के बारे में। जी थैंक यू सो मच, आप सबका आपने समय निकाला यहाँ पे आए, बहुत बहुत आभारी हैं। एक नए फिल्म मेकर, एक नए फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक नए प्रोडक्शन हाउस को आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हमें मान सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम दोनों की तरफ से। आपके प्रश्न पे आते हैं, क्रिस्पी रिश्ते जैसा कि नाम है, रिश्ते भावनाओं की फिल्म है, रिश्तों की फिल्म है, इमोशंस की फिल्म है। क्रिस्पी नाम है क्योंकि यूथ से रिलेट करती है, क्रिस्पी एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर चटकारापन है, थोड़ा थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, तो और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। रिश्तों का ताना बाना म्यूज़िक के माध्यम से पहली बार शायद किसी फिल्म में इस तरह से बुना गया, ऐसी हमने कोशिश की है, 15 गानों को लेकर के इस फिल्म को बनाया है। और आपने कहा कि हर तरह के इमोशन इसमें दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, जैसा कि हमारे जीवन में हर रिश्ते में हम हर तरह के इमोशंस को महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वहीं हमारी ही ज़िंदगी से उसके इर्द गिर्द से उठा के इस कहानी को बनाया है और ये आपके सामने है क्रिस्पी रिश्ते। देखिए इस फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जब दो लोगों में शादी होती है तो वो दो परिवारों में शादी होती है। आज जिस तरह से डिवोर्स का कल्चर बढ़ रहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि ये सही नहीं है। कोई नहीं चाहता कि उसका घर टूटे, उसका घर बिखरे, कोई माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी की शादी हो तो वो अपने ससुराल में जाके किसी भी प्रकार की कष्ट का अनुभव करे। हर माँ ये चाहती है कि उसका ससुराल में उसका बेटी प्यार से सुखी रहे, कभी उसका घर ना टूटे। तो यही मैंने इस कहानी के अंदर दिखाया है कि परिवार की वैल्यू क्या होती है, रिश्तों की अहमियत क्या होती है, एक होके जीने की अहमियत क्या होती है। तो वो शादी के बाद ही हम जो जीवन में देखते हैं वही कहानी। सर एक वक्त हुआ करता था राष्ट्रीय इस तरह की फिल्मों के लिए जाना जाता था, पर आजकल चीजें बदल चुकी है कोविड के बाद से, तो आपको लगता है इस तरह की जो यंग जनरेशन है इस तरह की फिल्मों को पसंद करेंगी? क्योंकि आज की जो जनरेशन है मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म रिलेशन में विश्वास रखती है, तो कैसे रिलेट कर पाएगी आज की जनरेशन इस तरह की फिल्मों को? आप देखेंगे तो आजकल एनिमल जैसी फिल्में चलती है जो फुल ऑन एक्शन होती है, आपको लगता है इस तरह की ऑडियंस आज मौजूद है सिनेमा देखने के लिए? जब तक धरती पे इंसान का वजूद है, प्रेम, प्यार, प्रेम जो एक इमोशन होता है वो कभी नहीं हट सकता। और हम किसी एक पर्टिकुलर इमोशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो प्रेम माँ और बेटी के बीच में होता है, पिता और पुत्र के बीच में होता है, भाई भाई के बीच में होता है, पति पत्नी के बीच होता है, बहन भाई के बीच में होता है। तो प्रेम का वजूद कभी ख़त्म नहीं हो सकता, उसकी अहमियत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इस कम से कम कॉन्सेप्ट को कभी भी कोई टक्कर नहीं दे सकता, ये हमेशा हमेशा वर्क करेगा। जब तक आपकी कहानी ऑडियंस से रिलेट करने की क्षमता रखती है, उनके अंदर वो जज्बात जगाने की क्षमता रखती है, उस कहानी को वो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं देखने की वो रखते हैं, वो वर्क करेगा। वो प्रोड्यूसर से पूछना चाहूँगा कि ये क्या देख के आपने फिल्म को बैक किया, आपको क्या उसमें प्लस पॉइंट दिखे? देखो फिल्म मेकिंग क्या होता था ये मुझे नहीं मालूम था जब हम मुंबई आए थे, तो 2018 में मुंबई आए और उससे पहले मुंबई आया भी नहीं था मैं। तो अगर ये पूछो कि इस कहानी में आपने क्या देखा, तो कहानी तो हम बहुत बाद में देख पाए थे, कहानी पढ़े भी नहीं थे। जब जगत जी ने मुझे कॉल किया था तो मैं अपने होम टाउन मुजफ्फरपुर, बिहार का एक छोटा सा शहर है मुजफ्फरपुर, वहाँ था मैं। मेरे एक दोस्त हैं जो मुझे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में लेके आए, आशीष नाम है उनका, अभी वो भी हमारे साथ यहाँ अवेलेबल हैं। तो हम दोनों, इन्होंने जब कॉल किया था तो उस समय सिर्फ इनकी बातों में जो कॉन्फिडेंस दिखा था, और मुझे, मेरा बचपन का सपना था कि मुझे जाना है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, तो जो इनकी सच्चाई थी, ऑनेस्टी थी, बस वही खींच कर लाया था। और उसके बाद अपनी इसी फिल्म से हम फिल्म की मेकिंग क्या, फिल्म की शूटिंग कैसे होती है ना, फिल्में बनती कैसी है, क्या होता है उसके अंदर, कैसे कहानी लिखी जाती है, क्या इक्विपमेंट्स होता है, कितने टेक्निकल लोग होते हैं, इस हर चीज़ की जानकारी मुझे इस फिल्म की शूटिंग को देखकर ही पता चल पाया था। और सर किसका आइडिया था कि जगत जी ही ये किरदार प्ले करेंगे, क्योंकि राइटर डायरेक्टर तो है ही, हाँ, लेकिन साथ में एक और एक लंबी जर्नी थी इनकी, प्रकाश झा जी के साथ भी रहे और भी लोगों के साथ, इन्होंने काफ़ी दिनों से इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। तो आप लोग तो शायद बेहतर समझ सकते हैं कि अगर कोई एक्टर बनने आया हुआ है किसी छोटे शहर से और उसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, तो उसकी चाहत होती है कि हम एज एन लीड एक्टर अच्छी फिल्म करें, और यहाँ जो स्ट्रगल है एक
नन फिल्मी आदमी के लिए वो ये फेस कर ही रहे थे, तो इन्होंने अपनी ये कहानी अपनी ज़िंदगी को देखते हुए अपने स्ट्रगल को देखते हुए लिखा, और इनका खुद का भी च्वाइस था और मुझे भी, क्योंकि मुझे तो एक तो नॉलेज भी नहीं था, दूसरा इनका जो कॉन्फिडेंस था, तो मुझे ऐसा लगा कि देखो हम भी नए हैं, तो अगर हम इनको कहें कि हम आपको लॉन्च कर रहे हैं तो ये भी कह सकते थे कि प्रोड्यूसर को तो मैं ही लॉन्च कर रहा हूँ। तो हमारा बस इनके ऊपर जो भरोसा था ना, और हम नए तो नए के साथ ही चलना मुझे अच्छा लगा। और दूसरी बात, मैं एज एन एक्टर काफ़ी सालों से काम कर रहा था, और मेरा मानना यह है कि ये क्रिएटिव पर्सन के ऊपर जो अपन टैग लगा देते हैं कि नहीं ये राइटर है, ये डायरेक्टर है, ये एक्टर है, मुझे लगता है कि ये सब एक दूसरे के रूपक हैं, एक दूसरे के साथ हैंड इन ग्लव से लोग काम करते हैं। और मेरे लिए बहुत लंबे समय से एज एन एक्टर के साथ साथ में मैं जो फिल्में मैंने की है उसमें मैं हमेशा एक रुचि रखता था कि मेरे शॉट्स के बाद में हमेशा डायरेक्शन डिपार्टमेंट के इर्द गिर्द में रहता था, कैमरा डिपार्टमेंट के इर्द गिर्द रहता था, तो वो जो टेक्निकलिटीज़ है वो मैं लगातार सीखता चला जा रहा था। पर जैसा कि इन्होंने कहा कि मेरा जो सपना था वो मुझे पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा था, तो मैंने अपनी खुद की कहानी लिखी, एक शॉर्ट फिल्म बनाने का पहले सोचा, उसमें एक गाना ऐड किया तो वो थोड़ी और बढ़ गई, दो गाने आए तो और बढ़ गई, सागर जी मिल गए, सागर जी मेरे साथ थे, इनका पूरा कॉन्फिडेंस, इनका भरोसा इस प्रोजेक्ट में था, मुझ में था, और हम दोनों ने इसको एक्चुअल में प्रॉपर एक फीचर फिल्म के रूप में इसको डेवलप किया, क्योंकि कहानी मेरी ही लिखी हुई थी तो मेरे लिए उसको समझना, उसको डायरेक्ट करना आसान था, मुश्किल काम है, लेकिन अच्छी टीम हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और अच्छा प्रोड्यूसर आपके साथ में जो आप पे भरोसा करता हो, तो मुझे लगता है कि ये संभव है। पहले भी बहुत लोगों ने किया, गुरुदत्त साहब ने किया है, राज कपूर साहब ने किया है, तो आपने अपने इनके जावेद साहब के बेटे जो हैं फरहान साहब करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते, आपको एक अच्छी टीम अगर मिले तो आप कर सकते हैं, मैं आगे भी करना चाहूँगा। इसका जवाब मैं देना बस शुरू में ही मैंने बोला ना कि एक नया फिल्म प्रोड्यूसर था जो मुंबई आया ही नहीं था, फिल्म बनाना तो बहुत दूर की बात थी, सपना ही था हमारे लिए, और ये तो थे ही यहाँ स्ट्रगल कर रहे थे, तो जब कोई दो नए लोग आते हैं ना तो आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में कोई उसका साथ उसका हाथ पकड़ लेता होगा बड़ा आसानी से, नहीं पकड़ता होगा ना, तो बस वो इसलिए लंबा समय लगा कि हम अपने आप को उस लेवल पर ला रहे थे, उस तरीके से हम अपने कंटेंट के ऊपर काम करते, क्योंकि जब हम लोग फिल्म बनाने का जब हम आए थे मुंबई, गाना हमारा बन रहा था, सिंगर हमारे 15 गाने हैं और सारे बॉलीवुड के बहुत ही अच्छे सिंगर ने आवाज़ दिया है हमारी फिल्म के अंदर, श्रेया घोषाल जी, जुबिन नौटियाल, मोहित चौहान, पैपॉन के हमको तो याद आ गया, इतनी बार बोल चुका हूँ मैं, ठीक है। तो एक्टर के लिए भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, आप कल जी देखिए, ये एक इमोशन प्रधान फिल्म है, भावना प्रधान फिल्म है, और इमोशन को स्क्रीन पे जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो या तो आपके पास में फेसेस हो, शाहरुख खान साहब का फेस हो, माधुरी जी का फेस हो, जो आपके स्क्रीन से ऑडियंस के साथ में वो बाइंड कर सके, वो ग्रेविटी क्रिएट कर सके, अगर वो नहीं हो, जैसे कि नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर को वो नहीं मिल सकता है, तो एक और चीज़ है वो है म्यूज़िक। आप रेडियो पे गाना सुनकर के भी उससे कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी के अपनी यादों से उसे रिलेट करने लगते हैं। मैंने म्यूज़िक को वो माध्यम बनाया जिससे मैं अपनी कहानी की जो भावनाएं हैं, जो इमोशन है, वो लोगों तक पहुंचा सकूं, उनके साथ वो बाइंड कर सकूं, वो ग्रेविटी क्रिएट कर सकूं। ये जो गाने हैं इस कहानी के अंदर इस तरह से फिट किए गए हैं कि ये अपने आप में गाने नहीं हैं, ये डायलॉग्स हैं, ये डायलॉग्स हैं जिसके अंदर देश के, जैसा कि इन्होंने भी बताया, बड़े बड़े सिंगर्स से अपनी आवाज़ दी है। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस पर मेरा पूरा भरोसा है कि आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आपने 15 गानों की फिल्म देखी है। किसी भी गाने में कोई लिपसिंक नहीं है, ये पहली बार ऐसा हुआ है, 15 गाने हैं और एक भी गाने में लिपसिंक नहीं है। हैंड इन ग्लोव्स वो इतने जेल किए गए हैं गाने उस फिल्म के अंदर कि आप जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं शायद उसके बाद में आपको लगे कि नहीं ये तो ठीक ही लग रहा था। अगर 7 मिनट भी पकड़ते हैं तो 15 गाने का मतलब 1 घंटे तो आपने सिर्फ गाने में निकाल दिए। 1 घंटा 5 मिनट मैंने कहा ना, ये गाने नहीं है, डायलॉग्स हैं, ये कहानी को आगे लेके जाते हैं, हर गाना कहानी को आगे लेके जाते हैं। आज रात 12 बजे जियो सिनेमा पे आ जाएगा। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप बड़े एक्टर की फिल्म तो बहुत आसानी से देखते हैं, पुराने प्रोडक्शन हाउस की फिल्म को भी बहुत चाव से देखते हैं, एक बार इस फिल्म को जरूर ईमानदारी से देखिएगा, इसलिए नहीं कि आप लोग प्रेस वाले हैं, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट इसलिए कि हमारी तरह आप भी हैं। और एक्चुअल मकसद क्या है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रोडक्शन इसके लिए जाना जाता है, 7 गाने 8 गाने 10 गाने तक भी पहुँचते हैं लोग, बट 15 इज एक्सट्रीम, तो ये कोई रिकॉर्ड ब्रेक करना एक मकसद नहीं, या सच में स्टोरी की डिमांड कुछ तो नया करना था।
कुछ तो नहीं, हम उस भीड़ के हिस्से ही बन के रह जाते तो फिर क्या फर्क पड़ता है हमें और लोगों में। बस देखिए जरूर और शेयर भी करिएगा, बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए आपका साथ सपोर्ट। नहीं नहीं, हमारे पास 6 म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, अलग अलग लोगों का चुनाव किया गया, धुनों को ढूंढा गया गली मोहल्ले में जाके, जगह जगह जाके, डोर टू डोर जिसको कहते हैं, कि हमने सर्च किया कि हमको कैसा म्यूजिक चाहिए, किस तरह के गाने चाहिए। और लिरिसिस्ट भी इसमें 4-5 लिरिसिस्ट हैं, एक आध गाने मैंने भी लिखे हैं, बाकी अजय गर्ग हैं, राजेश मंथन है, अमिताभ रंजन है, और भी लोग हैं। देखिए, मैं हमेशा से यश चोपड़ा जी, गुरुदत्त साहब, चेतन आनंद और राज कपूर, इनको बहुत ज़्यादा मैंने फॉलो किया, इनको बहुत ज़्यादा मैंने हॉलीवुड उतना नहीं देखा जितना मैंने अपने हिंदी फिल्म मेकर्स को देखा है। और ये मैं बिल्कुल कहता हूँ कि मेरी इंस्पिरेशन जो है वो इन्हीं से आई है, यश जी से स्पेशली आई है। तो रिलेशनशिप्स जो है, मैंने ऐसा कोई सोचा नहीं था कि मैं रिलेशनशिप्स के ऊपर कहानी बनाऊंगा, वो स्वतः मेरे जहन से ईमानदारी से निकली हुई वो कहानी है। और अब ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं इतने वर्षों से ये सब ऑब्जर्व करता आया हूँ, तो मेरी फिल्म में जो आप कह रहे हैं कि ये इमोशंस, ये गाने, ये रोमांस आपको लग रहा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कहीं। नहीं, रियलिस्टिक चीज़ है, देखिए रियलिस्टिक चीज़ है, वो पत्नी है कि वो गर्लफ्रेंड है, वो तो आप फिल्म देखने के बाद पता कीजिए, पता लग जाएगा आपको। लेकिन रियलिस्टिक है, जहाँ बहुत प्यार होता है वहाँ पे तकलीफ भी होती है जब दिल टूटता है, तो वो उत्पीड़न नहीं है, वो शायद अपने, या मैं कहूँगा कि नहीं है तो ये झूठ होगा, क्योंकि कोई भी फिल्म मेकर राइटर पहली जो फिल्म उसकी कम से कम होती है वो उसकी ज़िंदगी के अनुभवों से निकली हुई होती है। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने अनुभवों को शेयर करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं चाह नहीं रहा हूँ, ऐसा हो जाता है, ईमानदारी से अगर किया गया काम है तो वो अपने आप निकलता ही निकलता है, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता। इसका जवाब सागर जी देंगे। हाँ, ये बहुत सही सवाल आपने किया है सर। जब हम फिल्म बनाने आए थे तो एक्टर नहीं मिल रहा था, जिसके पास जाते थे उनको यही डाउट होता था कि पता नहीं ये बना पाएगा या नहीं बना, दिखने में भी उतने हैंडसम थे नहीं हम, जो कोई मान जाता हमारी बात। तो OTT पर लेकर इसलिए गए हैं सर कि जो फिल्म हमारी बनी है ना, वो कम से कम लोगों देख तो सके, क्योंकि सिनेमा हॉल में अगर हम रिलीज़ करते तो कोई नॉन एक्टर नहीं था हमारे पास, हो सकता था एक दिन के लिए लगे, दो दिन के लिए लगता, और फिर हम कहाँ लेके घूमते उसको दिखाने के लिए। तो इस फिल्म को बनाने का मकसद ये नहीं था कि हम बहुत पैसा कमा लेते, इस फिल्म को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि फिल्म इंडस्ट्री में एक नॉन फिल्मी आदमी आकर भी काम कर सकता है और अपनी पहचान बना सकता है, उसी मकसद से हम आए हुए थे। इसलिए OTT पे रखे कि आज नहीं, 5 साल बाद भी कभी आप फुर्सत में होंगे तो देख तो लेंगे ना, हो सकता है सिनेमा हॉल में हमारी फिल्म 3 दिन के लिए लगेगी और आपके पास वक्त नहीं होगा तो कैसे देखेंगे। और देखिए, बहुत खुशकिस्मत है कि देश के सबसे बड़े सब्सक्राइबर बेस्ड OTT ने हमारी फिल्म को अपने पास जगह दी है, हम लोग बहुत आभारी हैं जियो सिनेमा का। आई थिंक जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हो रहा है। म्यूजिक जी, सॉरी, बिल्कुल, अपने घर को कैसे एक लड़की शादी के बाद में किसी भी हालत में टूटने नहीं देती, वही हमने इस फिल्म में दिखाया है कि संगठन में ही शक्ति है, एकता में ही प्रेम है, उसको टूटने नहीं देना। हमारी जो कल्चर, हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारे भारतीय संस्कृति की, वो इस फिल्म में दिखाई देगी। हर औरत इस फिल्म की जो एक्ट्रेस है अंजलि, उसमें अपनी बेटी को देखेगी, हर अंजलि इस फिल्म के जो एक्टर हैं करण, उसमें अपने पति को देखेंगे, हर करण इस फिल्म की जो हीरोइन अंजलि, उसमें अपनी पत्नी को देखे। तो ये रिलेशनशिप्स जो है वो रिलेट करेंगे, ना सिर्फ औरतें बल्कि हर वो व्यक्ति जो देख रहा है। आप एक पिता हैं, आपकी बेटी होगी, ससुराल में होगी, आप उस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। जी, आजकल से जो बढ़ते हुए डाइवोर्स रेट्स है, क्या उस पर भी कहीं ना कहीं चोट पहुँचाएगी या मैसेज देगी? चोट तो किसी को नहीं पहुँचा सकते क्योंकि ये एक बहुत ही व्यक्तिगत मामला है, बट मैसेज अपनी बात को रख सकते हैं। मैंने कहा ना, व्यक्तिगत रूप से मैं ये समझता हूँ कि डिवोर्स जो होते हैं वो बड़े दुखदाई होते हैं, किसी को भी डिवोर्स, मैं मुझे लगता है कि इस तकलीफ को मैंने इस फिल्म के जरिए बयां किया है, और मैंने वकालत की है इस बात की कि हाँ, संगठन में ही शक्ति है, प्रेम और साथ जो है उससे अच्छा कुछ और हो नहीं सकता। सर, ये नाम का आइडिया आपको कहाँ से आया?
जी ये रिलेशनशिप्स की कहानी है, तो रिश्ते तो होना ही था, और क्योंकि यूथ को रिलेट करती है और क्रिस्पी वर्ड जो है उसके अंदर वो चटपटापन है, वो नमकीन है, वो थोड़ा मीठा है, तो क्रिस्पी और रिश्ते एक दूसरे के पूरक भी हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल बड़ा अच्छा बिठाते हैं, इसलिए क्रिस्पी रिश्ते नाम। इसमें कुछ न्यूमरोलॉजी है, के लगा रहा अपने क्रिस्पी में समथिंग या। हाँ जी सागर बताइए। हाँ थोड़ा बहुत मानते हैं हम इन सब चीज़ों को, तो न्यूमरोलॉजी को मानते हैं, तो इस वजह से के लगाया। मैंने ही एक सजेस्ट किया था, इनको सी था, मैं तो सी लेके चला था, लेकर चल रहे थे, बट हमने के लगाया उसमें। बट ठीक है, हाँ बट हमने तो बस दिल्ली हम गए हुए थे और मेरे कोई फ्रेंड थे चिंतक ने कहा कि भाई के कर लो, के कर लो, तो फिर उन्होंने पता नहीं उनको शायद जानकारी हो, क्योंकि उस समय ये था कि जो बताते थे लोग कि ये करो इससे अच्छा हो जाएगा, तो बस करते चले गए। रिलीज करना सबसे टफ काम। देखिए ये सवाल किससे किया जा रहा है डिपेंड करता है, अगर आप प्रोड्यूसर से करेंगे तो वो कहेंगे कि रिलीज करना है, लेकिन आप डायरेक्टर को कहेंगे तो वो कहेगा नहीं भाई मेकिंग अच्छी होनी चाहिए, मेकिंग बड़ी मुश्किल होती है, मेकिंग बहुत सावधानी से करनी पड़ती है। मुश्किल है लेकिन वो मुश्किल को पार किया जा सकता है। रिलीज एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो अपने आप में अजीब सा उलझन है वहाँ पर, क्योंकि मेकिंग में आप पूरा पैसा लगाते हैं और उस पैसे का रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये OTT का ऑप्शन नहीं आया होता जी, तो आप रिलीजिंग या इंडियन सिनेमा को कहाँ देखते हैं छोटे प्रोड्यूसर के लिए? हाँ तो फिर छोटा प्रोड्यूसर बॉम्बे आता ही नहीं, फिर हम मुजफ्फरपुर में ही होते हैं। मुश्किल तो होता ही है, मुश्किल तो होता ही, ऐसा नहीं है कि छोटी फिल्में नहीं लगती है, नहीं चलती है, लेकिन उसको वहाँ तक पहुँचाना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअल में 54 डेज की शूटिंग है, लोकेशन जयपुर है, कर्नाटका है, मुंबई है।